भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के आयोजन में सिर्फ एक ही दिन बाकी है और इसी सिलसिले में आखिरी संध्या फेरी लुधियाना में ही कूचा नंबर 5 तक आयोजित की गई और ये शुरू हुई प्राचीन संगला वाला शिवालय से। इसमें मुख्य तौर पर शामिल हुए महंत नारायण दासपुरी, महंत दिनेशपुरी, अशोक गुप्ता, ओम प्रकाश ओमी, राजेंद्र सिंह बसंत, सुकेश कुमार जॉनी, दीपक अग्रवाल, राजू विशिष्ट, जगदीश बजाज, डिम्पी सूद, राकेश पराशर, सुशील पराशर, विपन सूद, मुकेश सूद, लोकेश सूद और कुशल सूद। सारा 30 सितंबर को जो रथ यात्रा आज लुधियाना से निकलेगी उसके उपलक्ष्य में संध्या फेरी आज श्री ज्ञान स्थल मंदिर के प्रांगण से निकल रही है। आज ये संध्या फेरी शंगला शिवाला मंदिर से शुरू होके चौड़ा बाजार होके मोजपुरा बाजार से होते हुए फील्डगंज में विश्राम लेगी। आज ये सारा ही वातावरण कृष्णमय हो गया है। आज भगवान जगन्नाथ जी की हर जगह स्वागत, शहर में हर जगह श्री ज्ञान स्थल मंदिर द्वारा एक विशाल स्वागत मंच बनाया गया जिसमें सभी ने यहाँ सभी मेंबरों ने इकट्ठे होकर मोजपुरा बाजार में प्रभु साक्षी गोपाल जी का भगवान जगन्नाथ जी का भव्य स्वागत किया गया। हम सभी आपको कामना करते हैं कि ये यात्रा इसी तरह हर साल और भी विशाल रूप लेती रहे और आगे चलती रहे। धन्यवाद। भगवान की जय जा रही है। उसके उपलक्ष्य में आज शिला प्रभुपाद जी की हरिनाम संकीर्तन शोभा यात्रा निकाली जा रही है। सभी जो दुकानदार भाई हैं वो स्वागत कर रहे हैं भक्तों का भी और भगवान का भी, और हम आशा करते हैं कि भगवान जगन्नाथ जी इन सबके ऊपर अपनी कृपा बरसाएंगे और इसी प्रकार उत्साह से आने वाले वर्षों में भी भगवान जगन्नाथ जी की कृपा लुटते रहेंगे। हरे कृष्णा। Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama R
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सभी क्या बाकी का नाम क्या खेलगंज के सभी दुकानदार भाई बहन को विशेष सुप्रभात उनके सभी भाइयों का सभी उनके धन पत्नियों का सभी बच्चों का हृदय से धन्यवाद करना चाहते श्री प्रभुपाद जी की हरनाम संकीर्तन मेरी बात विश्राम अपने बाजार में सुन रहा हूँ क्या गर्व बन रहा ये गर्व बन रहा है कि और सभी भक्तों के लिए सुस्वादी प्रसाद का ये व्यवस्था करते हैं। इनके बारे में अनेक पुराणों में बहुत कुछ कहा गया है। स्कंद पुराण में तो यहाँ तक कहा गया है यत्र साक्षात जगन्नाथ अर्थात जहाँ पर साक्षात दारु ब्रह्म जगन्नाथ जी होते हैं। संत चक्र एवं गदाधर जिनके हाथ में संत है चक्र है गदा है कमल का फूल है अर्थात भगवान विष्णु के चारों हाथों में ये क्या होता है संत चक्र गदा पद्म होता है। तो भगवान जगन्नाथ जी विष्णु एक ही बात है। तो कहा गया जंतु दर्शनात् मुक्ति जो व्यक्ति ऐसे जगन्नाथ जी के जो दारुगम जगन्नाथ जी के दर्शन प्राप्त करता है सहदार्थी कृपा निधे जो भगवान जगन्नाथ जी कृपा के समुद्र है कृपा के निधे निधे मैंने समुद्र बोले हरे कृष्ण मुक्ति का मतलब होता है जन्म मृत्यु जरा और व्याधि के चक्कर से मुक्ति 84 लाख लोगों में जीव उन्होंने जन्म और जन्मों के चक्कर में पड़ा हुआ है सात भौतिक संसार में उसका सामना करना पड़ेगा। पहला कष्ट है जो जन्म के समय मिलता है 9 मास के लिए जीवात्मा को माप ग्रह में अंधेरी कोठरी में शिव नीचे पांव होते हैं प्रकट नहीं बढ़ सकता बहुत भयं कष्ट का सामना करना पड़ता है 9 महीने तक मृत्यु शास्त्रों ने 10,000 पिछु अनेक शास्त्रों में बता बताती है लेकिन सब जगह ये बताया गया है अगर मान लीजिए 40,000 बिच्छु एक साथ मृत्यु तक मारे तो कितना कष्ट होगा उससे ज्यादा कष्ट होता है जब व्यक्ति की मृत्यु आती है इसकी विश्व लेने के लिए यमराज के भूत आते हैं मृत्यु बड़ी कष्टदायक है। मैं मेरी माता जन्म मृत्यु जरा व्याधि क्या राजा जन्म का होगा क्या हो जाओ इनका सामना कर रहे हैं चलिए प्रभु जी आज और प्रकृति के द्वारा मिलने वाले कई तीन ही होंगे कितने होंगे 4 और 3 7 सात प्रकार के कष्ट ऐसे हैं जिनसे कोई भी व्यक्ति आज भगवान दी संध्या फेरी 22वीं जो फील्डगंज कूचा नंबर 5 कराई जा रही है और लोगों च बहुत उत्साह है 17 तरीक नू लैके लोग पलकों बिछाए बैठे है जगन्नाथ जी ने आना है राहों को सजाना है लोग बड़े उत्साह नाल ए लगता जिदा कोई ये जिदा मेला होवे मतलब 17 तरीक नू दिन एतवार नू सारे पंजाब नू इंडिया च सारे नू हाथ जोड़ के बेनती करते हैं जगन्नाथ जी की रथ यात्रा पहुँचो और लाभ उठाओ प्रभु के दर्शन करके अपना जीवन सफल करो जय श्री राधे जय जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा 17 दिसंबर को श्री दुर्गा माता मंदिर जगराओं बोल से शुरू होकर श्री दुर्गा माता मंदिर सराबा नगर में समापन होगा। आप सभी से प्रार्थना है कि आप सभी भगवान की कृपा के पात्र बने और 17 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक मार्ग में प्रभु का रथ खींच के अपने और अपने परिवार को साथ लाके अपना जीवन सफल बनाएं। जय जगन्नाथ। इस संध्या फेरी में भक्तों ने जहां नाच कर गाकर भगवान के आगमन का स्वागत किया वहीं संध्या फेरी के मार्ग में अनेक जगह पर लंगर की सेवा भी की गई।
और अब भक्तों को इंतजार है उस दिन का जब भगवान की विशेष तौर पर रथ यात्रा पूरे लुधियाना में निकाली जाएगी। वॉइस ऑफ एशियंस की तरफ से नवल की रिपोर्ट।